नहीं आ रही है। जारी हुए 10वीं 12वीं के नतीजे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं 12वीं के नतीजे जारी हो गए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल अध्यक्ष रेणु पिल्ले ने में 80.74% रिजल्ट रहा है। ७५.६४% रिजल्ट दसवीं का है। दसवीं में जसपुर से सिमरन सब्बा ने 99.50% लाकर टॉप किया है। महक अग्रवाल ने 12वीं में टॉप किया है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको बता दें, अपडेट करवा रहे हैं, जसपुर की सिमरन सब्बा ने 99.50% लाकर टॉप किया है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको अपडेट करवा रहे हैं, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज 10वीं माध्यमिक शिक्षा मंडल अध्यक्ष रेणु पिल्ले ने यह रिजल्ट जारी किया है। बड़ी खबर से इस वक्त की आपको अपडेट करवा रहे हैं, आपको बता दें छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट जारी किया गया है। सीजी बोर्ड के एग्जाम के 10वीं 12वीं के बोर्ड के रिजल्ट जारी किया गया है। CGBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इसके नतीजे देख सकते हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज एडिटर मोहन तिवारी जुड़ चुके हैं। मोहन जी, आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं 12वीं के नतीजे घोषित कर दिया है, क्या कुछ पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है? 10वीं और 12वीं में किसने बाजी मारी है? देखिए, 10वीं और 12वीं के रिजल्ट अभी कुछ देर पहले ही घोषित हुए हैं और हर बार की तरह इस बार भी बालिकाओं ने मारते हुए बालकों को पीछे छोड़ दिया है। अगर हम दसवीं तो 75% से अधिक का परिणाम सामने आया है, जिसमें बालिकाओं का प्रतिशत 80% से के आसपास है। तो 80% बालिकाएं पास हुई हैं। वहीं अगर बालकों की बात करें, उनका पास होने का प्रतिशत ज्यादा है। इसी तरीके से हायर सेकेंडरी की अगर हम बात करें, तो हायर सेकेंडरी का रिजल्ट 80% से अधिक आया है, यानी 100 लोगों में से 80% लोग जो है 80 लोग पास हुए हैं। इसमें भी बालिकाओं ने करीब 83% अंकों से पासिंग की है। लड़कों का प्रतिशत जो है वो 75% के आसपास है। और अगर टॉपर लिस्ट की बात करें, तो एक बार फिर से आत्मानंद स्कूल ने अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित किया है। आत्मानंद स्कूल से पढ़कर आने वाली जो बच्चे हैं, उनका मेरिट में ज्यादा स्थान दिख रहा है।
तो जो रिजल्ट ओवरऑल आया है दसवीं और बारहवीं का, उसमें हम देख रहे हैं कि टॉप टेन में दसवीं में करीब 60 बच्चों ने स्थान प्राप्त किया है। जो रैंकिंग बनाई गई है मेरिट लिस्ट की, उसमें 60 बच्चे दसवीं में टॉप में स्थान पाने में कामयाब हुए हैं, जिसमें जसपुर की सिमरन सभा जो है वो अव्वल स्थान पे है, पहले स्थान पर है। बारहवीं में टॉप 10 की जो स्टूडी है उसमें 20 विद्यार्थियों को जगह दी गई है, यानी 20 विद्यार्थी टॉप 10 में शामिल हुए हैं, मेरिट लिस्ट में शामिल हुए हैं। और बारहवीं में सरायपाली के रहने वाले रहने वाली जो महक अग्रवाल है वो पहले स्थान पर आई हैं। तो दसवीं और बारहवीं दोनों में लड़कियों ने टॉप 10 में भी स्थान प्राप्त किया है, पासिंग में भी सबसे ज्यादा लड़कियां ही है। जी मोहन जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रियांशु गुप्ता माध्यमिक शिक्षा मंडल से मौजूद है। जी प्रियांशु, क्या कुछ खबर सामने आ रही है? माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। जी बिल्कुल, रिजल्ट जारी होने के बाद जो है दसवीं कक्षा की बात करें तो दसवीं में जो है लड़कियों ने भी बारी मारी और बारहवीं में भी लड़कियां ही जो है अव्वल हैं। बारहवीं की बात करें हायर सेकेंडरी की, तो महक अग्रवाल ने जो है बाजी मारी है। और वहीं दसवीं में भी जसपुर के स्वामी आत्मानंद स्कूल की सिमरन सभा ने जो है 99.50% जो है अंक अर्जित किए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लड़कियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और आत्मानंद स्कूल से जो है यह बच्चे निकलकर सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आत्मानंद स्कूलों का क्रेज भी आप इससे समझ सकते हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकार ने जो सोच लेकर जो आत्मानंद स्कूल की शुरुआत की थी वह निश्चित तौर पर आज जो है कामयाब होते या वह सफल होते नजर आ रहा है कि आत्मानंद स्कूलों के बच्चे जो है इस तरीके से जो है पहले अंक जो पहला स्थान प्राप्त कर रहे हैं। वहीं बारहवीं की बात करें तो महक अग्रवाल ने जो है अपना पहला स्थान जो है अर्जित किया है। वहीं दसवीं में बात करें तो इस बार जो बालिकाएं हैं उनका जो प्रतिशत है 79.5% है, यानी पिछले वर्ष की तुलना में 78.02% था। तो इस वर्ष कह सकते हैं कि जो बालिकाओं का जो पासिंग प्रतिशत है वो बढ़ा है। और वहीं बालकों के उसमें जो प्रतिशत है उसमें तकरीबन 69.0% है, यानी कि 10% का जो कह सकते हैं कि गैप जो है बालक और बालिकाओं छात्र छात्राएं हैं उनके रिजल्ट में हमें देखने को मिल रहा है। वहीं रायपुर की बात करें तो रायपुर में भी जो है बच्चों ने स्थान अर्जित किए हैं। टॉप 10 की सूची में अगर हम देखें तो इसमें 12वीं में जो है रायपुर से हमासी ने 95.80% अर्जित किए हैं। वहीं 10वीं में अंशिका सिंह ने 98.17% अर्जित किए हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो 10वीं का रिजल्ट है उसमें जसपुर की बेटी ने जो है टॉप किया, पहले स्थान पर अपना अंक जो है अर्जित किया। वहीं 12वीं में बात करें तो महासमुंद से महक अग्रवाल ने जो है स्थान अर्जित किए। जी जी प्रियांशु, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं, छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है। आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को घोषित कर दिया है। इस खबर पर दसवीं के टॉपर श्रेयांश कुमार यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रेयांश, आपने दसवीं में टॉप किया है, इसको लेकर आपको कितनी खुशी हो रही है और आपके पालकों में कितनी खुशी है? मैम, खुशी तो बहुत ज्यादा ही हो रही है और अच्छा लग रहा है। जी श्रेयांश, तकनीकी खराबियों की वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं, फिर से उन्हें जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को घोषित कर दिया है। 75.64% दसवीं का रिजल्ट आया है। दसवीं में जसपुर से सिमरन सब्बा ने 99.50% लाकर टॉप किया है।
महक अग्रवाल ने 12वीं में टॉप किया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल अध्यक्ष रेणु पिल्ले ने आज 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को घोषित कर दिया है। जी हमारे साथ 10वीं जसपुर से 10वीं के टॉपर श्रेयांश जुड़ चुके हैं। जी श्रेयांश जी, आप बताइए, आपने पूरे साल कितनी मेहनत की थी इस 10वीं में टॉप करने के लिए, क्योंकि आप 10वीं एक बहुत ही अहम क्लास होता है, इसके बाद आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, आप किस सब्जेक्ट में जाना चाहेंगे किस में नहीं, एक प्रेशर रहता है 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के ऊपर, तो उस प्रेशर को कैसे फेस किया, कैसे तैयारियां की, कैसे आपने अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बनाई पढ़ाई के लिए, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मैम सबसे पहले तो बहुत ही डिफिकल्ट क्लास था, मतलब आपने कैसी स्ट्रेटेजी बनाई थी अपने पढ़ने के लिए, कोचिंग क्लासेस लिए थे या फिर घर में ही अपनी पढ़ाई की थी? मैम घर में पढ़ाई की जी। आपका 99.38% आया है, इसके लिए आपने कितनी मेहनत की होगी, क्योंकि कोचिंग में आपको सिर्फ पढ़ने का तरीका बताया जाता है, उसके बाद घर में आइए उसको रिवीजन कीजिए, स्कूल जाइए उसको पढ़ाई कीजिए, एक प्रेशर रहता है, प्रेशराइज रहता है स्टूडेंट 10वीं क्लास में, तो उस प्रेशर को फेस करते हुए आपने कितने घंटे पढ़ाई की? मैम 6 से 8 घंटे पढ़ लेते थे ऑन एन एवरेज, और प्रेशर क्योंकि पहला बोर्ड था लाइफ का तो प्रेशर बहुत ज्यादा था, और पर अच्छा मोटिवेशन मिला टीचर्स के द्वारा और उन्होंने अच्छे से पढ़ाया, ट्यूशन टीचर भी आ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ाए, प्रिपरेशन वो सारी चीजों का कराए, और घर में भी पापा टीचर है तो वो पढ़ा देते थे, ऐसा था। आपका परिणाम इतना अच्छा आएगा इसको आपको कितनी उम्मीदें थी? मैम उम्मीद तो थी अच्छी अच्छे रिजल्ट की, क्योंकि अच्छे पेपर लिखा था, और यही मोटो था कि कुछ भी करके छत्तीसगढ़ टॉप अंडर 10 आना है, स्टेट रैंकर बनना है। 10वीं क्लास के आप स्टूडेंट थे, तो घर वालों से आपको कितनी मदद मिली इस कक्षा की पढ़ाई के लिए? घर वालों से मदद बहुत ही, उनका भी अच्छा शिक्षा योगदान था और अच्छी मदद मिली, उन्होंने घर वाले भी सब टीचर थे तो उन्होंने पढ़ाया मुझे और सब चीज में हेल्प की, कैसे पढ़ना है, कैसे काम पेपर को प्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, सब कुछ उन्होंने सिखाया। जी श्रेयांश जी एक बात बताइए, 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स अधिकतर अपने बहुत सारे एक्टिविटीज को नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है, इस पर ज्यादा फोकस करना रहता है, तो क्या आपने भी अपनी स्ट्रेटेजी के लिए इस एग्जाम में टॉप करने के लिए क्या आपने बाकी एक्टिविटीज को दरकिनारे किया था, या उन सब के साथ आपने इसकी तैयारी की थी? मैम मेरी दो हॉबीज है, गिटार बजाना और बैडमिंटन खेलना, तो मैंने उन दो हॉबीज को साइड में रखा और मेरी पढ़ाई को प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी दी, और सोशल मीडिया से भी 1-2 महीने मैं स्टार्टिंग में सोशल मीडिया में था, फिर उससे भी दूर हो गया, क्योंकि पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन आ जाती है वो चीज लेके, और सोशल मीडिया को यूज किया बट उसे पॉजिटिव वे में यूज किया, पढ़ाई करने के लिए, आंसर देखने के लिए, ऐसा। जी श्रेयांश बहुत बहुत मुबारक हो आपको 10वीं में टॉप करने के लिए। थैंक यू मैम, और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू मैम। माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष रेणु पिल्ले ने आज 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को घोषित कर दिया है। 10वीं में सिमरन सब्बा ने, जसपुर की सिमरन सब्बा ने 99.50% लाकर पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप किया है। आपको बता दें महज 5.50% से वो पीछे रह गई। दूसरा स्थान गोपाल अवस्ट का है, 97% इन्होंने बलौदाबाजार से लेकर आया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। प्रीति तीसरा स्थान प्रीति का है, 96.80% बलौदाबाजार की रहने वाली हैं ये भी, और चौथा स्थान हमासी लेकर आई हैं 95.80%, ये रायपुर की रहने वाली हैं। दसवीं में जसपुर से सिमरन सब्बा ने 99.50% लाकर टॉप किया है। सिमरन सब्बा आपको बता दें इन्होंने दसवीं में
पहला स्थान प्राप्त किया है, ये जसपुर के रहने वाली है। सीजीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप 10वीं 12वीं के नतीजे देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ से आज की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। 12वीं क्लास में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपको बता देते हैं जिन स्टूडेंट्स ने 12वीं क्लास में टॉप किया उनके नाम आपको बता देते हैं, साथ ही उनके प्रतिशत कितने आए हैं वो उनसे भी आपको उनकी भी जानकारी दे देते हैं। प्रथम स्थान महक अग्रवाल का रहा है, इन्होंने 97.40% प्राप्त किया है, ये महासमुंद की रहने वाली है। इसके अलावा दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले हैं गोपाल अवस्थ, 97.00% इनका आया है, ये बलौदा बाजार से हैं। तीसरा स्थान है प्रीति का, इन्होंने 96.80% हासिल किया है, ये भी बलौदा बाजार की रहने वाली है। आपको बता दें प्रथम दूसरे और तीसरे स्थान के स्टूडेंट्स बलौदा बाजार से हैं। वहीं चौथा स्थान हमाशी का है, ये इन्होंने 95.80% हासिल किया है और ये रायपुर के रहने वाली है। इसके अलावा बात कर ले दसवीं की, तो दसवीं में जसपुर से सिमरन सब्बा ने 99.50% लाकर टॉप किया है।